आप किस पद के लिए? आप जो चुनाव लड़ने से पहले भी लड़ चुके हैं, पब्लिक आपसे पूछे आपके पंचायत विकास करते हैं, आपके पंचायत में शिक्षा पब्लिक को पूछ लीजिए, तो उसे उनसे पूछ लीजिए आपके क्षेत्र में जो कि शिक्षा करना है, तो आप उसको अगर जीतते हैं इस बार तो आप उसको दूर करेंगे। आपके क्षेत्र में जमीनी विवाद भी कुछ ज़्यादा है तो उसको भी समाप्त करेंगे, उसका समाधान करेंगे। पहले कुछ जनता से ले लेते हैं। आपका नाम? आप इनके समर्थक हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि कैसे प्रतिनिधि है आपको? इस बार अगर इसको जिताते हैं तो आपके क्षेत्र में विकास का काम करेंगे? करते हैं, इससे पहले भी लग चुके हैं, करते थे, बड़ा लाभ भी लाभ चले आइए। महिला को वन बाय वन करके ले आपका नाम? अच्छा, आप इसके साथ आपके समर्थक हैं, तो आपके क्षेत्र में अगर ये प्रतिनिधि बन रहे हैं तो आपको क्या लगता है विकास करेंगे? क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में अभी चल रहे हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग इससे परिचित होंगे कि किस तरह से चल रहा है अभी, तो आपको क्या लगता है? और यही रहना चाहिए। आपका नाम? आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये पहले भी विकास कर चुके हैं और अभी भी विकास बहुत अच्छे से करेंगे। पहले रह चुके हैं जी? हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। शिक्षा को लेके क्या लगता है आपको, इस बार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? अगर ये बन गए, शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा जाए। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप इनके समर्थक हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोच के इसके साथ आए हैं, आप इसके समर्थन कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में विकास का काम करेंगे? जो भी अभी मतलब कि भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे? चलिए धन्यवाद।